बाबा बालकनाथ मंदिर दियोरसित को उत्तरी भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध शिव माना जाता है। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोरसित ट्रस्ट की सालाना आमदनी 30 करोड़ के करीब है, लेकिन इस साल अप्रैल महीने तक सिर्फ 5 करोड़ की ही आमदनी हुई है। मंदिर के चढ़ावे में आई गिरावट। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोरसित के अधिकारी ओपी लखनपाल का कहना है कि पिछले साल मेलों के दौरान 9 करोड़ से अधिक चढ़ावा चढ़ा था, लेकिन इस बार ये चढ़ावा एक महीने में महज 2 करोड़ पे ही रह गया है। पिछले साल कुल 30 करोड़ के करीब चढ़ावा मंदिर में चढ़ा था। पिछले साल की बात की जाए तो अप्रैल माह तक 11 करोड़ के करीब चढ़ावा चढ़ चुका था, लेकिन इस बार चढ़ावे में भारी गिरावट आई है और सिर्फ 5 करोड़ रुपए चढ़ावा अप्रैल महीने तक मंदिरों में चढ़ा है। चैत्र मास मेलों की बात की जाए तो पिछली बार मंदिर में 9 करोड़ से अधिक का चढ़ावा एक महीने में श्रद्धालुओं ने चढ़ाया था। कोरोना की वजह से 17 मार्च से मंदिर बंद है, जिस वजह से पहली मार्च से 30 अप्रैल तक महज 2 करोड़ रुपए का चढ़ावा ही मंदिर के खजाने में जमा हुआ है। 40 लाख से अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचते हैं, इनमें देश के बाहरी राज्यों के साथ ही विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर अधिकारी की माने तो साल भर में 40 लाख से अधिक श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं। बालकनाथ दियोरसित में प्रत्येक वर्ष जो है वो चैत्र मास के मेले 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक आधिकारिक तौर पर तथा 30 जून तक मेले चलते हैं, जिसमें प्रतिदिन लगभग 25 से 30 हजार श्रद्धालु बाबा जी के दरबार में शीश नवाते हैं। इस वर्ष महामारी कोरोना की वजह से जो है वो मेले केवल 3 दिन ही चल सके और उनको 17 तारीख को मंदिर को बाद दोपहर में पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। मेलों के दौरान बाबा बालकनाथ ट्रस्ट को एक माह में पिछले वर्ष जो था वो 9,19,98,000 रुपये की इनकम हुई थी, जबकि इस वर्ष जो है केवल मात्र 2,33,46,91 रुपये की इनकम हुई है। इस वर्ष जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक जो है वो 5,48,59,596 रुपये की इनकम है, जबकि पिछले वर्षों था वो 11,94,34,322 रुपये की इनकम मंदिर ट्रस्ट को हुई थी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौर में दियोरसित ट्रस्ट ने कोविड-19 फंड में 5 करोड़ की मदद भी सरकार को मुहैया करवाई है।